प्लेंटिफ सिविल केस में यूज होता है या क्रिमिनल केस में? प्लेंटिफ अगर सिविल में होता है तो क्रिमिनल केस में क्या यूज होता है? अगर इसी तरह की कंफ्यूजन आपको भी है तो चलिए ये वीडियो एंड तक देखिएगा। पर अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे जाइए और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे एवरीबडी, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लेंटिफ, पिटिशनर, एप्लीकेंट एंड एपेलेंट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ उस व्यक्ति को कहा जाता है हु ब्रिंग्स अ लीगल केस अगेंस्ट समवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो व्यक्ति अपने केस को लेके सबसे पहले कोर्ट में जाता है वो कहलाता है प्लेंटिफ। ये हमेशा ही ये वर्ड सिविल केसेस में यूज़ होता है। सारे वो सिविल केसेस जैसे कि डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, टॉर्ट, घरेलू केस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो तरह के केसेस जो कि हम एक सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं, इस तरह के केसेस में जो व्यक्ति केस को लेके कोर्ट में आता है उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। अगर इधर एक पार्टी को प्लेंटिफ कहा जाता है तो दूसरी पार्टी को क्या कहा जाता है? तो दूसरी पार्टी को कहा जाता है डिफेंडेंट, जो कि अपने आप को डिफेंड करती है, अपने आप को बचाती है। अब ये बात तो हुई सिविल केस की। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल केस में अगर अब अपना केस लेके जाता है कोर्ट में, तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो उस केस में हम यूज़ करेंगे प्रोसिक्यूशन। उस केस में वर्ड जो यूज़ होगा वो होगा प्रोसिक्यूशन। तो सिविल केसेस में दो पार्टी होती है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ जो कि केस फाइल करती है और डिफेंडेंट जो अपने आप को डिफेंड करती है। पर वहीं अगर क्रिमिनल केस है तो जो व्यक्ति केस लेकर जाती है कोर्ट में उसे हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी भी कहलाती है डिफेंडेंट। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है पिटिशनर। पिटिशनर वर्ड हमेशा तब यूज़ होता है जब मान लीजिए मेरे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट का हनन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा ही मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती हूँ। इस कंडीशन में मैं कहलाऊँगी पिटिशनर। पिटिशनर के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं प्लेंटिफ ही हूँ। मैं भले ही प्लेंटिफ हूँ या मैं भले ही डिफेंडेंट हूँ, मैं दोनों ही कंडीशन में पिटिशन फाइल कर सकती हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन किस तरह से फाइल होती है, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 32 आता है। सबसे पहले अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना है तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 32 के अंडर जाके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करूंगी। पर अगर मैं हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहती हूँ तो मैं आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट को अप्रोच करूंगी। और उसी तरह से एक और चीज़ आती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि PIL। अगर PIL भी मैं फाइल कर रही हूँ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो भी मैं पिटिशनर कहलाऊंगी। तो ये तीन तरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और PIL। इस तीन कंडीशन से आप अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट भी दोनों ही हो सकते हैं, वो चाहे तो पिटिशनर भी हो सकता है, वो चाहे तो डिफेंडेंट भी हो सकता है। अब देखिए जॉब में क्या होता है, हम जॉब के लिए हमेशा कई सारी कंपनीज में हमारी एप्लीकेशन भेजते हैं। हम सिलेक्ट नहीं हुए होते हैं, हम सिर्फ एप्लीकेशन भेजते हैं, तब हम क्या कहलाते हैं? एप्लीकेंट। उसी तरह का शब्द यहाँ पे भी यूज़ होता है। मान लीजिए मुझे अपनी बेल करवानी है और मैंने अपनी बेल की सिर्फ एप्लीकेशन दे के रखी है, तो मैं क्या कहलाऊँगी? बेल एप्लीकेंट। मान लीजिए अगर मुझे किसी तरह का केस फाइल करना है कोर्ट में, तो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन दे के रखी है, अभी तक मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो उस भी सिचुएशन में मैं एप्लीकेंट कहलाऊंगी। सो एप्लीकेंट क्या होता है? अ पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर लीगल रेमेडी। एक लीगल रेमेडी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं अनटिल द कोर्ट टेक्स देयर कॉग्निजेंस, जब तक कि कॉग्निजेंस कोर्ट ले नहीं लेती। तो कोर्ट ने जब तक हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करी है तब तक हम कहलाएंगे एक एप्लीकेंट। और ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में यूज हो सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के चौथे टॉपिक पे, एपिलेंट। एपिलेंट यानी कि एक तरह की अपील करना। तो हम अपील कब करते हैं? किसी बड़े व्यक्ति के सामने। तो जब भी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हम अपील करते हैं तो हम कहलाते हैं एपिलेंट। मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस था जिसके डिसीजन से मैं ना खुश हूँ, तो मैं हाई कोर्ट में जाके अपील करूँगी। उस कंडीशन में मैं कहलाऊँगी एपिलेंट। एपिलेंट एक पिटिशनर भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है।
जो भी दोनों में से पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है जो कि ना खुश है डिसीजन से, वो एक हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकती है।